हाय डियर स्टूडेंट्स, डाट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का अब कर सकते हैं। ये आई एम प्रीटी मच श्योर कि बहुत सारे वीडियोस एंड नोटिफिकेशन से आपको पता तो चल गया होगा। तो दैट इज़ ऑब्वियसली द पार्ट कि मैं वीडियो बना ही इसीलिए रहा हूँ कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हो, ये तो पता चल गया, बट उसके साथ क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, सबसे पहला चीज़ आप वहाँ पर ये चेक करो, आपका नाम एंड आपसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर है, ठीक है, वो सारी चीज़ें करेक्ट है या नहीं है पहला। दूसरा चीज आप ये देखो कि क्या क्या पॉइंट्स वहां पे मेंशन किया हुआ है, कि आप कितने बजे रिपोर्ट करना है, कितने देर पहले रिपोर्ट करना है, आप क्या क्या चीजें अपने साथ कैरी कर सकते हो, क्या कैरी नहीं कर सकते हो, इनसाइड द सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ। एंड देन उसके साथ साथ आप ये चीज देखें कि आपका तीसरी पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि तीसरा पॉइंट ये है कि आपका सेंटर कहाँ पे है, वो घर से कितने डिस्टेंस पे है, सो दैट आप ये एक अंदाजा लगा लें कि कितने टाइम पे हमें घर से निकलना चाहिए होगा। नेक्स्ट चौथा एंड लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगा वो ये इंपॉर्टेंट, आप देखिए कि जो स्लॉट है आपका वो कौन सा स्लॉट है, और उस स्लॉट को देख के बस ऐसे ही बस कि अच्छा मेरा सेकंड स्लॉट में है, मेरा आफ्टरनून है, मेरा इवनिंग है, ऐसे ही मत रहिए। ठीक है, स्लॉट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज में कि हमारी एग्जाम्स जो होगी वो किस तरीके से जाने वाली। क्वेश्चंस के बेसिस पे नहीं मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आपकी माइंडसेट के बेसिस पे बात। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं लेट नाइट स्टडी करने वाला आदमी हूँ और मैं लेट नाइट स्टडी करता हूँ, दैट इज मैं सुबह लेट से उठता हूँ, तो मैं कभी भी उठता हूँ डेली एक मॉक देता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, पढ़ता हूँ, रिवाइज करता हूँ, ये मेरा डेली का शेड्यूल है। ठीक है, अब कैट है तो कैट की तो ऑलरेडी टाइमिंग फिक्स की हुई है ना कि हाँ कितने बजे आपका पेपर होना है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो मैं लेट उठने वाला आदमी हूं बट मेरा स्लॉट पड़ गया मॉर्निंग, अब मुझे 8 बजे सेंटर पे पहुंचना है। ठीक है, अब 8 बजे सेंटर पे पहुंचना है बट मेरी आदत ही है 10 बजे सो के उठने की, तो सबसे पहले तो मुझे इस हैबिट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ताकि ऐसा ना हो कि जिस दिन एग्जाम हो किसी भी तरह उठ करके बस सेंटर पे फ्रेश होकर के पहुंच जाओ, तो आपका माइंड हो सकता है कि पूरा 100% फंक्शन ना करे जितना उसे एक्चुअली करना चाहिए था, और जितना आपका परफॉर्मेंस मॉक में अच्छा रह रहा था वो शायद कैट में ना रहे। आई होप कि आप ये बातें समझ पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आप यहाँ पे अब इस चीज को ओवरकम कैसे करना है, किसी भी टाइमिंग पे आपका मॉक दे रहे थे आप और अदर टाइमिंग पे आपका कैट का स्लॉट का टाइमिंग है, तो आप क्लैट कैट के स्लॉट के टाइमिंग पे ही अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए, अपनी हैबिट उस तरीके से आप बनाइए। ठीक है, तो आप डेली सुबह, किसी का है तो डेली सुबह उठने की आदत डालिए, डेली आप उसी टाइम पे मॉक दीजिए, और डेली मतलब डेली एक मॉक पक्का उसी टाइम पे दीजिए, सो दैट आप जिस दिन कैट का पेपर देने जाएंगे यू विल फील लाइक कि दिस इज नॉट द एक्चुअल कैट एग्जाम। ठीक है, ये जस्ट एक अनदर पेपर है, मैं एकदम पूरी तरीके से उसी इन्वायरमेंट में आज 15-20 दिन से मैं उसी तरीके से था तो मेरे को कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हैबिट जो होता है ना गाइस किसी भी चीज़ को वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड ऑल्सो कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा आप में से कितने लोग रांची से हैं, उनकी सेंटर क्या क्या है एंड उनकी टाइमिंग क्या है। ठीक है, आई होप कि आपके मॉक के स्कोर्स अच्छे आ रहे होंगे। इनकेस किसी तरीके का और कोई सजेशन या कोई आपको लगता है गाइडेंस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, सी यू इन द लाइव क्लास एट 11 PM, टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स।